तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिकंदर मंसूरी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बॉस की फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बॉस की वॉशिंग मशीन दिखाने वाला हूं, 7 kg टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन, और उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। और इस वीडियो में मैं आपको जो बॉस की वॉशिंग मशीन दिखाऊंगा उसका मॉडल नंबर, प्राइसिंग और बाइंग लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, जाइए चेक कीजिए। आपको अगर प्राइस चेक करना है, मॉडल नंबर चेक करना है या फिर बाय करना है तो बाय भी कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है बॉस की टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन। दोस्तों, इसकी कैपेसिटी है 7 kg की। ये आइडियल 3 to 4 फैमिली मेंबर के हिसाब से सफिशिएंट है अगर आप डेली वॉश करते हो। अगर आप फैमिली मेंबर ज़्यादा है, 5 to 6 फैमिली मेंबर है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप 8 या 9 kg की टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन लीजिए। तो आइडियल ये 3 to 4 फैमिली मेंबर के हिसाब से सफिशिएंट है। बॉस की वॉशिंग मशीन है दोस्तों। बॉस की प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करेंगे तो दोस्तों काफ़ी अच्छी मिल जाती है आपको, और बॉस फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में काफ़ी फेमस है। तो फाइनली ये है बॉश की फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन। इसके ऊपर आपको टफन ग्लास मिल जाता है हाई क्वालिटी का, और सामने की तरफ बॉश का ब्रांड लोगो आपको देखने को मिल जाता है सिल्वर फिनिशिंग में। इसका जो वॉशिंग पैनल है ऊपर की तरफ दिया हुआ है ताकि वाटर वगैरह नहीं लगे और जल्दी ख़राब ना हो, तो पैनल पीछे की तरफ है। और आपको सॉफ्ट क्लोजिंग डोर मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और स्मूथ है। तो ये है इसका सॉफ्ट क्लोजिंग डोर, आप देख ही रहे होंगे कितना स्मूथली क्लोज हो रहा है, यानी जो इसका हाइड्रोलिक डोर है बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त हाइड्रोलिक डोर आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, बात करेंगे मशीन की, तो मशीन की प्रोडक्ट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों, बॉस की इस मशीन के अंदर आपको बैलेंसर भी देखने को मिल जाता है। ये देखिए, ये बैलेंसर है ताकि इसके चारों लेग्स लेवल में रहें और मशीन एक बैलेंस करके रखे। कभी कभी क्या होता है, मशीन इम्बैलेंस होती है ऊपर नीचे अगर लेग्स होते हैं तो। ऊपर की तरफ में देखने को मिलेगा आपको डिटर्जेंट बॉक्स, जिसमें आप अगर आपको कंफर्ट डालना है तो कंफर्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है, और लिक्विड डालना है तो लिक्विड का ऑप्शन भी, यानी डिटर्जेंट और कंफर्ट सॉफ्टनर दोनों आप डाल सकते हो एक ही बॉक्स के अंदर। इसके ड्रम साइज़ की बात करेंगे तो दोस्तों, ड्रम साइज़ बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है, यानी काफ़ी अच्छा खासा ड्रम साइज़ है इसका। कंपेयर करेंगे तो सैमसंग वगैरह, तो सैमसंग की 7 kg से अच्छा ड्रम साइज़ आपको बॉस के इस 7 kg वॉशिंग मशीन में देखने को मिल जाता है। और इसका पल्सीटर भी काफ़ी अच्छा है कंपेरिटिव सैमसंग ब्रांड, तो पल्सीटर भी इसका बहुत अच्छा और शानदार देखने को मिल जाता है। और काफ़ी बड़े साइज़ का इसमें लिंट फिल्टर देखने को मिल जाता है जो कि आपके कपड़ों के अंदर का जितना भी लिंट वगैरह है वो इजीली कलेक्ट कर लेता है। तो इसमें जो ड्रम भी है काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, जिससे आपको स्क्रबिंग क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है, यानी जितने भी कपड़ों पर दाग धब्बे लगे हैं, कॉलर में दाग धब्बे लगे हैं, आसानी से निकल जाए उसी हिसाब से इसका ड्रम डिज़ाइन किया हुआ है, और साइड में उस तरीके का पैटर्न दिया हुआ है ताकि कपड़ों पर आपको स्क्रबिंग इफेक्ट मिले। इस मशीन की वारंटी की बात करेंगे तो आपको 10 ईयर्स की मिलती है मोटर की वारंटी, और ये 2 ईयर्स कंप्लीट वारंटी के साथ में आ रही है मशीन। इस मशीन की अगर हम RPM की बात करें, रोटेशन पर मिनट, आपको इसमें 680 का RPM देखने को मिल जाता है। इसकी टॉप लोडिंग की मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो दोस्तों, अब ये इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इससे पुराने जितने भी मॉडल आ रहे थे बॉश के टॉप लोडिंग वाले, वो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होकर आ रहे थे थर्ड पार्टी के थ्रू। अभी फिलहाल तो ये बॉश के इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं। तो इसकी टफन ग्लास की जो क्वालिटी की बात करेंगे तो इसका टफन ग्लास की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिल जाती है, यानी ऊपर की तरफ जो ग्लास दिया हुआ है काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी का टफन ग्लास देखने को मिल जाता है। ये है इसका पैनल जहाँ से आप आपके वॉशिंग प्रोग्राम वगैरह यूज़ कर सकते हो। और इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको गर्म पानी का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, यानी इस मशीन में इनबिल्ट हीटर लगा हुआ है। अगर आपको गर्म पानी में वॉश करना है तो आप गर्म पानी में भी वॉश कर सकते हो, क्योंकि ऊपर की तरफ जो रेड कलर का बटन देख रहे हो वहाँ से आप टेम्परेचर सेलेक्ट कर सकते हो, मीडियम, नॉर्मल या फिर हाई टेम्परेचर। तो आपके यूजेस और कन्वीनियंस के हिसाब से आपको जो वॉशिंग प्रोग्राम यूज़ करना है और जो टेम्परेचर आपको क्या रखना है, तो वॉशिंग स्टार्ट से करने से पहले आपको टेम्परेचर सेलेक्ट कर लेना है। ये है दोस्तों ये प्रोग्राम का बटन जहाँ से आप ये वॉशिंग प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो। इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको 8 अलग अलग वॉशिंग प्रोग्राम देखने को मिल जाते हैं, इंडिकेटर देखने को मिल जाता है आगे, या फिर अगर आपको मैनुअली कुछ वाटर लेवल सेट करना है, टाइमिंग सेट करना है, तो आप कस्टमाइज़ करके भी वॉशिंग मशीन को चला सकते हो, ऑटोमेटिक चला सकते हो, या फिर मैनुअली कुछ वॉशिंग प्रोग्राम कस्टमाइज़ करना है, टाइमिंग कस्टमाइज़ करना है, तो वो भी आप कर सकते हो इस मशीन के अंदर। पैनल की बात करेंगे तो दोस्तों, इसका पैनल जो है वाटरप्रूफ देखने को मिल जाता है, यानी पूरा वाटरप्रूफ पैनल है। बैक साइड में अगर पैनल होता है ज़्यादा, पैनल ख़राब होने के चांसेस भी काफ़ी कम होते हैं। इसकी अगर बॉडी की क्वालिटी बात करेंगे तो इसकी जो बॉडी है काफ़ी ज़्यादा स्टडी है, यानी हाई क्वालिटी का इसमें मेटल पतरा यूज़ किया है, मतलब स्टडी बॉडी है काफ़ी ज़्यादा इसमें। इस मशीन के अंदर आपको ड्रम साइज़ बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। मेन मैटर करता है हमारा वॉशिंग, अगर हम जब वॉशिंग करते हैं ड्रम साइज़ अगर अच्छा होगा तो मैक्सिमम कपड़े जाएंगे, और जो कपड़े रोटेशन होगा काफ़ी अच्छी तरीके से रोटेशन होंगे और वॉशिंग क्वालिटी अच्छी मिलेगी। तो इसमें ड्रम 7 kg की मशीन है और ड्रम साइज़ काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है इस मशीन के अंदर। दोस्तों, ये 5-स्टार रेटिंग के साथ में आ रही है, यानी एनर्जी एफिशिएंट है। मोटर की बात करेंगे तो मोटर भी इसमें काफ़ी अच्छा खासा मोटर देखने को मिल जाता है इस वॉशिंग मशीन के अंदर।
दोस्तों अगर आप कोई भी मशीन बाय कर रहे हो तो उसकी सर्विस बहुत मैटर करती है। अगर आप बॉश की मशीन अगर बाय कर रहे हो मेट्रो सिटी में तो ये सर्विसिंग इजीली अवेलेबल है। अगर आप आपके जहां भी आप लेते हो आपको आपके लोकेशन में चेक कर लेना है कि सर्विसिंग अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के बाद उसमें कोई भी अगर खराबी आती है, दिक्कत आती है, वारंटी में भी भले ही क्यों ना हो तो उसकी सर्विसिंग मिलनी चाहिए। क्योंकि बहुत सी ब्रांड में इशू ये होता है, वारंटी तो हमें मिल जाती है, वारंटी मिलने के बाद उसकी सर्विसिंग नहीं मिलती है, स्पेयर पार्ट नहीं मिलते, वो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। खाली कोई भी प्रोडक्ट बाय करने से पहले आपको उसके सर्विसिंग पे जरूर ध्यान देना चाहिए। तो ओवरऑल अगर बॉश की बात करेंगे तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपको मशीन लेना है तो आप अच्छे से ले सकते हो, बिंदास ले सकते हो, क्योंकि प्रोडक्ट बॉश की प्रोडक्ट क्वालिटी का भी अच्छी है और इसमें वॉशिंग क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाती है। ओवरऑल ये दोस्तों बॉश की टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे मॉडल दे दिए बॉश के और अदर ब्रांड के भी, अगर आपको बाय करना है तो बाय कर सकते हो या फिर इस मशीन का प्राइस चेक करना है तो चेक भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।